हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग आवर क्लासेस. सो टुडे आई सेलेक्टेड ए टॉपिक ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. मैंने आज एक टॉपिक सेलेक्ट किया है वर्गीकृत विज्ञापन का. तो इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था वो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट. तो आप देखें, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की जो सीरीज चल रही थी उसमें टू लेट यानी मकान किराए पर देना या दुकान वगैरह कुछ भी किराए पर देना और किराए पर लेना ऑन रेंट. फिर मैंने दूसरी सीरीज ली थी सेल एंड परचेज का, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास जो कल हुई थी उसके अंदर मैंने सेल का बताया था और एक मैंने विज्ञापन बना के बताया था टू सेल ए मारुति 800 ओल्ड कार. आज उसके अपोजिट जो परचेज है उस पर अपन फोकस करेंगे. अब परचेज मीन्स क्या है आपको पता है? खरीदना. तो कुछ चीज़ खरीदनी है आपको और उसको खरीदना है, तो आपके लिए सबसे सस्ता और सुगम साधन ये है कि आप उसके लिए क्लासिफाइड एड दे दें तो आपको आसानी से वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली आई हैव रिटन वन क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जामिनेशन, जो कि परीक्षा में आती रहती है. वह प्रश्न मैंने लिखा है, छोटा सा लिखा है, काफ़ी लंबा डिटेल्स में भी दे सकते हैं वो लोग. सपोज यू हैव टू बाई ए 2 BHK हाउस. मान लो कि आपको 2 BHK हाउस खरीदना है इन ए पॉश कॉलोनी, एक बहुत ही समृद्ध कॉलोनी, मतलब पैसे, जहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं, इन जयपुर. लोकेशन दे दी जयपुर की. ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. तो एक शॉर्ट में मैंने प्रश्न लिख दिया और लिख के रखा इसलिए क्योंकि जल्दी से हम समझ पाएंगे इसको. अब मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था कि वांटेड से भी बनाया जा सकता है, जो भी चीज़ चाहिए आपको. इनफैक्ट इफ़ यू नीड एनीथिंग, जिसकी आपको चाहत है उसके लिए आप जो वर्ड है यहाँ पे वांटेड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली जब हम परचेज के लिए जा ही रहे हैं तो वाई नॉट टू मेक परचेज एज ए हेडिंग. सो यहाँ पर मैंने परचेज हेडिंग डाल दिया है और उसके बाद में आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट लिखनी है. ग्रामर का भी इसमें कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं, इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड. और ये 12th क्लास CBSE और RBSE की बात करें, यू विल फेच 4 मार्क्स, आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं इससे. मीन्स इट इज़ ए स्कोरिंग एरिया, इस एरिए से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं भी है वो भी इसमें स्कोरिंग अच्छी कर सकता है. तो देखते हैं क्या मैंने बनाया है और उस पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं. वॉन्ट टू बाई, खरीदना है, खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया. ए 2 BHK हाउस. सपोज आपको एक गाड़ी लेनी है सेकेंड हैंड, यू कैन मेंशन हियर कि कौन सी गाड़ी लेनी है. तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस करके आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट भी बना सकते हो परचेज का. लेकिन यहाँ पे जो केस है कि 2 BHK हाउस खरीदना है इन ए पॉश कॉलोनी जयपुर, विच वॉज गिवन टू यू इन क्वेश्चन इट्सेल्फ. तो जो प्रश्न में दिया था वही मेंशन करना है. तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिल जाता है, उसी को थोड़ा सा इंपोर्ट करके हमें बनाना पड़ता है. अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट रिक्वायरमेंट आई हैव? आई हैव दिस रिक्वायरमेंट, इट शुड बी वेल फर्निश्ड पार्किंग फैसिलिटी, फ्रंट लॉन एट ग्राउंड फ्लोर फेसिंग नॉर्थ, 30 फीट रोड, नो डिस्प्यूट. छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने लिख दिया है. अब मैं सब हिंदी में भी समझाता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है मेरी. अच्छा फर्निश्ड होना चाहिए. फर्निश्ड का मतलब पूरा फर्नीचर वगैरह का कार्य, टाइलिंग, स्लैब्स वगैरह सब अच्छी तरीके से लगे हुए हो ना. वेल फर्निश्ड हाउस का मतलब ये पूरी तरह से पेंटेड वगैरह अच्छी तरीके से होना चाहिए, कारपेटिंग वगैरह जहाँ भी जो चाहिए. पार्किंग फैसिलिटी चाहिए आपको, आपके पास गाड़ी है तो उसको पार्किंग के लिए फैसिलिटी, इतना बड़ा घर होना चाहिए. फ्रंट लॉन, इसका मतलब आप रिकमेंड कर रहे हो कि आपको ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए. कई बार आजकल वैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी आगे फ्रंट लॉन बना देते हैं बालकनी में, लेकिन वो नहीं, हमें फ्रंट लॉन चाहिए और वो भी एट ग्राउंड फ्लोर. थोड़ा आप मान लो कि वास्तु पे विश्वास करते हो, यू बिलीव इन वास्तुशास्त्र, तो आपको लगता है कि वो नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ घर का मुख होना चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हो. तो आपने नॉर्थ लिख दिया, फेस उसका होना चाहिए फेसिंग नॉर्थ. सड़क कितनी होनी चाहिए मिनिमम, आजकल वैसे भी जो म्यूनसिपैलिटी है उसके हिसाब से मिनिमम 30 फीट रोड होता ही होता है, पर कई बार ऐसे मकान भी बने हैं पुराने अच्छे बने हुए हैं लेकिन वहाँ रोड बहुत ही कम है, फिर गाड़ी ले जाने वगैरह में बहुत दिक्कत आती है. तो यू हैव टू मेंशन दैट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उल्लेख करना ही है. तो 30 फीट रोड. कई बार कोई भी प्रॉपर्टी होती है बड़ी डिस्प्यूटेड होती है, किसी का है नाम का, कोई रह रहा है, कोई बेच रहा है, आपने सुना भी होगा ऐसे केसेस.
ऐसे केसेस से बचने के लिए लिख देते हैं कि नो डिस्प्यूट, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है मुझे जिसमें कोई डिस्प्यूट हो। कई बार दो भाइयों का प्रॉपर्टी है, दोनों मिलके बेच सकते हैं, पर एक ने कुछ ऐसा कर लिया और वो बेचना चाह रहा है, तो कई तरह के इस तरह के मामले आते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन जनरल वे, इन डे टू डे अफेयर, जो हमारी दिनचर्या उसमें हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आई जाती है कई बार, उन सिचुएशन से निपटने के लिए हम ये सब चीज़ें जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हम भी कभी ज़रूरत है तो एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। सारी डिटेल हो गई, आपको कुछ लगता है कि और भी कुछ डिटेल देना चाहो, मान लो कि वाटर के संबंधित कि भाई वाटर कनेक्शन होना चाहिए, वैसे ही होता ही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो वो तो होता ही है, उसके बिना कौन लेने वाला घर, लेकिन आपको लगता है कि नहीं क्या पता कुछ हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट दैट, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, ये एक लाइन जो है एक तरह से फॉर्मल प्रपोजल लाइन होती है प्रपोज करने के लिए, और वही यूज़ करना चाहिए कि जो व्यक्ति रुचि रखते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, और जो भी नाम है मैंने यहाँ पे नाम चुन लिया है श्री डी के वर्मा, सी स्कीम जयपुर, वो सी स्कीम जयपुर में रहते हैं, अब क्या पता किराए के मकान में रहते हो और उनको अपना मकान खरीदना और जो भी हो, और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, इस प्रकार से ये आपका तैयार हो गया एडवर्टाइजमेंट, और इसके आप पब्लिश करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर में दोगे, और बॉक्स तो वो खुद भी बना देंगे, लेकिन आप जब ड्राफ्टिंग कर ही रहे हो तो आपको बॉक्स बनाना है और इस प्रकार से इसका लेआउट रखना है। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो, दिस एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सो इजी टू मेक एंड इट्स ए वेरी गुड स्कोरिंग एरिया, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग एरिया है, इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें और आप इस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। विद दैट I end the class today, but before that I would like to say to you, please subscribe our channel if you like us and press the like button also. Thank you very much for the day. Have a nice day.